रक्षाबंधन है हमारे घर में, तो दो दिन रक्षाबंधन था, 30 और 31, हम लोग 31 को मना रहे हैं। तो आज वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा, छोटा सा वीडियो मैं बनाई हूँ, ठीक है। और उसके बाद कल से वीडियो जैसे रेगुलर रहता है वैसा ही वीडियो रहेगा। तो आज मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन बताया है, देखिए कि एक क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है। सप्लाई अपना डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है, कैसे? अगर इकोनॉमी में सप्लाई हो रहा है तो अगर लोग के पास कुछ भी कैसा भी कंडीशन, लेकिन वहां पे डिमांड हो ही जाएगा। तो ये किसका लॉ था, ये स्टेटमेंट किसने बोला, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये स्टेटमेंट किसने बोला? तो ये स्टेटमेंट बोला था जेबी से ने, ये स्टेटमेंट किसने बोला था, जेबी से ने, सेज लॉ ऑफ मार्केट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट। और इस स्टेटमेंट को कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये जेबी से ने बोला था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेज लॉ ऑफ मार्केट, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड। मैंने बहुत 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 बार बताया है ये चीज़, आप लोगों को ये चीज़ याद हो जाना चाहिए कि आपको एक चीज़ बताया था मैंने, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, C प्लस एस, एग्रीगेट डिमांड क्या है, C प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई है C प्लस एस, ठीक है। तो देखिए डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव, क्योंकि ये डिमांड का स्लोप है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच कैसा रिलेशन होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। एक प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, इसलिए डिमांड का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। और सप्लाई का स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव, ऊपर की ओर अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई का अपवर्ड, क्योंकि सप्लाई में देखिए हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, ठीक है। इसलिए इसका स्लोप होगा अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड का स्लोप होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इसमें इनवर्स रिलेशन है, इसमें नेगेटिव रिलेशन है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों एक पॉइंट पे टेंजेंट होगा, सप्लाई एंड डिमांड एक पॉइंट पे टेंजेंट होगा। इस पॉइंट पे जो प्राइस मिलेगा, जो क्वांटिटी और जो प्राइस मिलेगा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एक चीज देखिए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। सी सी कट जाएगा, जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा वहां पर क्या हो जाएगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर। जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा वहां पर सेविंग किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आएगा आंसर कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। आंसर इज सी। तो आज आंसर इज 3, फर्स्ट का आंसर है 4 एंड सेकेंड का आंसर है 3, सेकेंड का आंसर क्या है 3। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, घर पे बहुत सारे काम है, बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। तो कल से मैं रेगुलर जैसा वीडियो बना रही हूँ वैसा ही, एक एक चैप्टर पे जितना मैं बनाती हूँ 25, 26, 10, 12, 15 मिनट का, वैसा ही वीडियो मैं बनाऊँगी। आज बस इतना ही के लिए, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।